गोल्डन डेज एकेडमी स्कूल में वार्षिकोत्सव, रंगारंग प्रस्तुति से नन्हे मुन्ने बच्चों ने लोगों का मन मोहा। जयसिंहपुरा भाकरोटा में रविवार देर शाम को गोल्डन डेज एकेडमी स्कूल में धूमधाम से पांचवा वार्षिकोत्सव मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर IPS अशोक गुप्ता स्कूल के MD मुरारी लाल खैरारी रहे, जहां अतिथि ने माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलित किए और कार्यक्रम की शुरुआत की। गणेश वंदना और माँ सरस्वती के गीत से हुई वार्षिकोत्सव में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गुप्ता ने कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। शिक्षकों को बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब गुणों में यही स्कूल सबसे अव्वल दर्जे का है। जिस तरह स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वहीं स्कूल निर्देशक ऋषा खोखारी ने बताया कि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां कार्यक्रम को बहुत ही यादगार बनाने के लिए तैयार की। बच्चों ने एकल नृत्य, पंजाबी गाने, राजस्थानी गाने और सामूहिक नृत्य करके दर्शकों का मन लुभाया। कई बच्चों ने ड्रामा नाटक प्रस्तुत करके समाज के लोगों को जागरूक किया। वहीं पर्यावरण, पेड़ की अंधाधुंध कटाई से हानि, हिंदू मुस्लिम एकता, देशभक्तों की वीरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश संगीत और नाटक के माध्यम से छात्र छात्राओं, छोटे छोटे बच्चों ने दिया। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ज्योति कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास के लिए इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधि समय समय पर होते रहनी चाहिए। छात्रों को अपने जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित जरूर करना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत अति आवश्यक है। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक व स्कूल का स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं आए हुए अतिथियों ने बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।